नल सरोवर, पक्षियों की अपनी दुनिया। दोस्तों, ये यहाँ की टिकट विंडो है। यहाँ पर आपको टिकट लेके फिर अंदर जाना होगा। ये आप जो देख रहे हो, यहाँ के चार्जेस लिखे हुए हैं। ये है यहाँ का पार्किंग साइड, और यहाँ से बोटिंग स्टैंड नज़दीक ही है, तो हम यहाँ से पैदल जाएंगे वहाँ तक। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ नीरव पटेल, आपके साथ री चैनल पे। री चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस जगह पे आए हैं, जिस जगह का नाम है नर सरोवर, जो कि अहमदाबाद से करीबन 70 किलोमीटर की दूरी पे है, और अगर आप विरमगाम से आते हो तो करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के बोट चार्जेस है 300 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आपको 2 घंटे से ज़्यादा, मतलब पूरा दिन यहाँ पर रहना है, तो उसके हिसाब से रेट में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। गाइस, नाउ वी आर इन बोट, और हम लोग अब नल सरोवर की शहर के लिए निकल चुके हैं, और सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है। और अभी हम लोग करीबन 3 या 4 घंटे यही लेक में रहने वाले हैं। गाइस, हमारे साथ अभी जो हमारे बोट राइडर है, उनका नाम है, भैया आपका नाम क्या है? अल्ताफ भाई। हमारे जो बोट राइडर है, उनका नाम अल्ताफ भाई है, और हमें वो नर सरोवर की शहर के लिए लेके निकले हैं। दोस्तों, आज मैं मेरी फैमिली के साथ यहाँ पर निकला हूँ, और आप जो हमारे बोट राइडर है वो है पीछे अल्ताफ भाई, और हमने पूरी बोट हायर की है और अपने टाइम के हिसाब से पूरा घूमना चाहते हैं। तो मैंने हमारे बोट राइडर से पूछा, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पूरे लेक की डेप्थ ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 फुट वाटर है, इतनी डेप्थ है, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, अंदर खड़े भी हो सकते हो, कहीं पर शायद थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, अदरवाइज 3 से 4 फुट ही पानी है। वो कहते हैं ना कि इंसान को सरहदें रोक सकती है। अगर हमें एक देश से दूसरे देश में जाना है तो पासपोर्ट, वीज़ा और ये सब की ज़रूरत पड़ती है, बट पक्षियों का ऐसा नहीं होता। वो पूरी दुनिया में विदाउट पासपोर्ट, विदाउट टिकट, पूरी दुनिया में आज़ादी से घूम सकते हैं। इसीलिए हजारों माइल का सफ़र करके बर्ड्स की बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर विंटर में आती है, जो कि यहाँ पर अक्टूबर में यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाती है, और करीबन अप्रैल तक यहाँ पर रहती है। अगर इन सुंदर पक्षियों को आपको अपने कैमरे में या मोबाइल में कैद करना है, तो सनराइज और सनसेट बेहतरीन समय है आप लोगों के लिए, जिसमें आप अपने मनपसंद पक्षियों को अपने कैमरों में कैद कर सकते हो। ये जो भी देखे, इतने सारे बर्ड्स आए थे, उसका एक रीज़न था। ये सब गुजराती ट्रेडिशनल, हम जो गाठिया बोलते हैं, उसके इतने शौकीन है कि हमने थोड़े से पानी के अंदर डाले और इतने सारे बर्ड्स आ गए। जो देख रहे हो नर सरोवर, इसको 1967 में गवर्नमेंट ने ऑफिशियल बर्ड सेंचुरी लेक डिक्लेयर किया था। जो लेक है, इसका
एरिया है 120 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब हमने जो बोट राइडर है उनसे पूछा था कि पूरा घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला कि अराउंड 3 घंटे लगेंगे। अगर आपको पूरा घूमना है और शांति से घूमना है तो 3 घंटे लगेंगे। तो अभी हमने सोचा है कि चलो 3 घंटे यहाँ पे एंजॉय करेंगे, देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। और सरोवर है यहाँ पर, आपको अराउंड 200 स्पीसीज देखने को मिलेगी, और उसका पीक टाइम है दिसंबर से फरवरी तक। अगर आप उसके बाद आते हो या उससे पहले आते हो तो आपको यहाँ पर बर्ड्स इतने दिखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ जितने भी बर्ड्स हैं वो माइग्रेट होके यहाँ पर आते हैं और आफ्टर फरवरी वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। ये सरोवर इन बर्ड्स के लिए वार्म एंड पीसफुल प्लेस है। आप ये जो सुंदर घास देख रहे हो पूरे लेक के अंदर, तो यहाँ पर जितनी भी बर्ड्स की स्पीसीज अवेलेबल है उसमें से बहुत सारी स्पीसीज यही घास से अपना घोंसला तैयार करती है और उसी में अपने 3 या 4 महीने जो भी है यहाँ पर रहना है उसी भी घोंसले में रहती है, उसके बाद यहाँ से माइग्रेट कर जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी घास है जिसके बीच हम लोग फंसे हैं, हमारी बोट उसके बीचों बीच है, पर यहाँ का व्यू अद्भुत है। यहाँ पर देखो हमारे जो बोट राइडर हैं वो लोटस ढूंढ रहे हैं और उनको कहीं से मिल भी गया शायद, देखते हैं। देखो उन्होंने अंदर से निकाला और अभी उसको फ्लावर कैसे बनाते हैं देखो। देखो उन्होंने एक ये मस्त लोटस ढूंढ के दिया हमें। अभी देखो बहुत सारी बोट्स भी आ गई है यहाँ पे, हमारे अलावा 2-3 बोट्स और है। दोस्तों यहाँ पर एक वाइट कलर का बर्ड्स का ग्रुप दिख रहा है, बट हमारी बोट वहाँ तक नहीं जा सकती क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा घास है, तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखो ये जगह इतनी शांत है कि भले दूसरी बोट हमसे 200 या 300 मीटर दूर है फिर भी वहाँ पर जो आवाज़ होती है वो जो बोल रहे हैं यहाँ पर क्लियरली सुनाई दे रहा है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जनरली संडे और हॉलीडे पे ज़्यादा पब्लिक रहती है, अदरवाइज इतनी पब्लिक नहीं होती। तो आपको अगर एकदम अच्छे से घूमना है और किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो हो सके तो वर्किंग डे को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, रेगुलर हॉलीडे पे कम आए। यहाँ पर बहुत डेप्थ नहीं है पानी की, तो आप देख सकते हो कि वो लोग सब बोट से नीचे भी उतरे हैं और अभी एंजॉय कर रहे हैं नीचे उतर के।
दोस्तों ये देखो कितना क्लीन वाटर है। हम लोग भी अभी बोट छोड़ के पानी में उतर गए हैं। देखिए अभी हमारी ये है बोट और अभी ये हम लोग पानी में उतर गए हैं। अभी दोस्तों ये इसकी डेप्थ कम है ना, इसके लिए इस आइलैंड को छिछरा आइलैंड ऐसा नाम दिया गया है। दोस्तों एक टापू है, हमने नरसरोवर से अभी बोटिंग करते 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 हम यहाँ पर पहुँचे। अभी हमें यहाँ नीचे उतारा गया है और बोला है यहाँ पर आप फ्रेश होके आओ, हम लोग फ्रेश होके फिर से बोटिंग के लिए जाएंगे। और ये भी जगह बहुत अच्छी है। तो इससे पहले आगे मैंने आपको दो आइलैंड दिखा दिए, एक जहाँ पर हमने जो छिछरा आइलैंड बोला और उससे पहले जहाँ पर हमने वो लोटस का फ्लावर कलेक्ट किया, तो वो आइलैंड था, ये एक तीसरा आइलैंड है। यहाँ पर आपको खुले आसमान में फ्लेमिंगो का एक बड़ा ग्रुप उठता हुआ नजर आएगा, जो कि एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन नजारा है। ये जो आप देख रहे हैं ना वो एक और आइलैंड है, इसको सेल्फी आइलैंड बोलते हैं। यहाँ पर ये बड़े बड़े ग्रास के बिल्कुल अंदर बोट को लेके जाते हैं और जब बोट के तीनों ओर बड़े ग्रास होते हैं उस टाइम पे वहाँ पर हम अपने वीडियो और फोटो का आनंद ले सके ऐसा अरेंजमेंट करके देते हैं, इसीलिए इसको सेल्फी आइलैंड भी कहते हैं। आप देख सकते हो मैं बोट में खड़ा हूँ, फिर भी मेरे से भी ज़्यादा हाइट है, मतलब 3 फुट और भी ज़्यादा बड़ी है। मतलब ये घास की हाइट कितनी ज़्यादा होगी उतना आपको नहीं बता सकता, बट आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम लोग सेल्फी पॉइंट से निकल के आगे जा रहे हैं। देखो क्या सुंदर रास्ता बना है पानी के अंदर। ये जो पानी के बीच में रास्ते हैं वो बनाए गए हैं या फिर नेचुरल है पता नहीं है, बट जब हम लोग यहाँ से पास होते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी के बाहर जाना ही नहीं है, बस इसी में पूरा दिन गुजार देना। ये हम लोग विशाला आइलैंड है वहाँ पर जस्ट पहुँचने को ही है, विद इन 5 मिनट्स हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे और शायद 1 या 2 घंटे यहाँ पर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये जो विशाला आइलैंड है ये सरोवर के आसपास के गांव की महिलाओं को रोजगार देता है। यहाँ की महिलाएं मेहमानों का दिल से स्वागत करती है और खाना खिलाती है, और यहाँ पर आपको बाजरी का रोटला, सेव टमाटर की सब्जी, आलू की सब्जी और छाछ मिल जाएगी, और यहाँ का पर प्लेट का रेट है 200 रुपीज़।
गाइस ये जो मैंने आपको विशाला आइलैंड बोला था यहाँ का व्यू है। यहाँ पर आप ऐसे आपको मिट्टी में से ये बनाया हुआ है जहाँ पर आप रेस्ट भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको खाने पीने की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। ये जितनी भी बोट देख रहे हो आप इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब एक बोट के अंदर एक या दो फैमिली होते हैं। वो हमने जहाँ से स्टार्टिंग किया था वहीं से ये बोट स्टार्ट होती है और दोपहर में यहाँ तक आती है और सब लोग यहाँ पर रेस्ट करते हैं। ये नज़ारा अद्भुत है, देखो क्या सुपर्ब नज़ारा, ये कितनी जल्दी देखो।
है वो नल राजा की समाधि है, जिसकी हाइट अराउंड 6 या 7 फीट है, जो पानी के अंदर ही रहती है। इसीलिए इस सरोवर का नाम नल सरोवर भी पड़ा है, ऐसा बोला जाता है। दोस्तों, लोग नल सरोवर आते हैं, बट ये यहाँ का एक गार्डन है, यहाँ पर नहीं आते और वहीं से लेक से ही वापस चले जाते हैं। पर ये जगह भी बहुत ही सुंदर है और एकदम शांति है यहाँ पे। देखो, यहाँ पर आप बैठ के नाश्ता भी कर सकते हो और आराम भी। ये जगह भी सुंदर है। दोस्तों, हमने इस हॉर्स राइडिंग का भी हमने बहुत मज़ा लिया है और अभी सिराज भाई ने हमें चांस दिया था कि आप इस हॉर्स को लेके घूम के आओ। हम लोग गए थे, मज़ा भी आया और उसका चार्जेस था 100 रुपीज़ पर पर्सन। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको आज की ये ट्रिप पसंद आएगी और आप जब भी प्लान करोगे तो पूरे दिन का यहाँ पर प्लान करना, क्योंकि ये पूरा दिन आराम से यहाँ आप निकाल सकते हो। और अगले वीडियो के लिए कहीं और मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।